नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को भगवान विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर दुकानदारों व कारीगरों ने अपने अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों में जाकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने कौशल विकास व निर्माण इत्यादि में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा अर्चना भी की। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर भिवानी में मिस्त्रियों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना पंचमेवों से की और कहा कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से वे कमाई करते हैं और आज के दिन पूजा अर्चना करके वे आराम भी करते हैं। आज के दिन औजारों का प्रयोग नहीं किया करते। मिस्त्रियों ने बताया कि आज के दिन वे लोग सिर्फ पूजा अर्चना करने के उद्देश्य से ही दुकान खोलते हैं। पूजा में वे अपने औजारों की पूजा करते हैं और आज के दिन औजारों का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने बताया कि वे दूध आदि से औजारों को नहलाते हैं, फिर 5 प्रकार के मेवों से इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद वे सारा दिन खुद भी आराम करते हैं। विश्वकर्मा जी का क्या नाम है त्यौहार है, इसलिए हम मिस्त्री लोग जो भी ये क्या नाम साल में एक दिन आता है, हम उसके औजारों की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और आज क्या नाम पूरी साल हम इन औजारों से कमाकर खाते हैं, इसलिए हम आज कोई काम नहीं करेंगे और सिर्फ इनकी पूजा करेंगे विश्वकर्मा जी की। दिवाली से दूसरे दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, ये हमारी रोजी रोटी है। ये औजारों की पूजा होती है यहाँ पे, ये हमें कमा के खुवाते हैं, इसलिए विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं हम दिवाली के दूसरे दिन। क्या विधि पूजा की विधि है जी? हम अपने औजारों को सभी औजारों को इकट्ठा करके साफ सफाई करके दूध से नहलाते हैं उनको और फिर पंच इसका पंच प्रसाद का भोग लगाते हैं उनको, पंचमेवा का भोग लगाते हैं। छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में गोवर्धन त्योहार के अवसर पर शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भगवान को अन्नकूट के प्रसाद का भोग लगाकर मंदिर संचालकों द्वारा अन्नकूट का प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं भक्तों ने बताया कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ये दिन इस दिन को गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के स्मरण में गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर नगर में भी अनेक जगह हर्षोल्लास से गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया गया। इसी कड़ी में आर्य कन्या स्कूल में टेका सोजी परिवार द्वारा अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर अनेक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी एक धार्मिक नगरी है और जो कि सबसे ज्यादा धार्मिक लोग यहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन का एक विशेष महत्व है। इस दिन भिवानी शहर में कई जगह पर प्रसाद का वितरण किया जाता है। टेका सोजा परिवार के सदस्य मंगत राम ने बताया कि यहाँ पिछले 16 साल से अन्नकूट का प्रसाद खिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि अन्नकूट के प्रसाद में कड़ी चावल विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। आप पिछले बहुत सालों से देखते हो गई अपने भिवानी नगरी में और बल्कि इस मंदिर में तो लगभग 200 साल पुराना मंदिर है ये, जहाँ स्कूल भी चलता है और इस प्रकार से अन्नकूट भंडारा इससे अलग अलग हर वार्ड में हर मोहल्ले में, क्योंकि ये नगरी धार्मिक नगरी है इसलिए मैं सभी व्यवस्थापक अलग अलग जगह पर जितने भी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं तीनों बातों की। कल क्योंकि दिवाली भी थी, आज भैया दूज भी है, विश्वकर्मा दिवस भी है, इसलिए सारे हरियाणा प्रदेश को और आपकी तरफ से सारे देशवासियों को बधाई देते। बार ब्याह कर रहा भाई, 200 साल पुराना भिवानी मस्जिद का मंदिर है जी, इसके अंदर ये प्रोग्राम 16 साल से चल रहा है। 10 साल से लगभग मंत्री जी आ रहे हैं और बड़े प्रेम भाव से आते हैं और खूब बढ़िया प्रोग्राम होता है, खूब बढ़िया 11 क्विंटल प्रसाद बनाया गया है। और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये त्यौहार जो है गोवर्धन का जो यहाँ प्रसाद लग रहा है यहाँ, आज हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने आगे यहाँ बहुत ही मान बढ़ाया और मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया। यह प्रसाद ग्रहण हम कई सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और बढ़िया ढंग से चलता रहेगा। राम जी जो पिछले इस ये मंदिर बहुत पुराना है और हम इस मंदिर से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इनके रहनुमा में इनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे अन्नकूट का प्रसाद लगाते हैं बाबा गोवर्धन का, जिसके अंदर 52 प्रकार के आइटम होते हैं। 52 प्रकार के आइटम हमने किए हैं यहाँ पे
उसके अंदर मेन आप सबको मालूम है कढ़ी होती है, सब्जियां होती है, चावल होते हैं, ये जो सब बाजरा है, रोटियां, मतलब ये हर प्रकार की है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि भाई मंगत राम जी का हमको प्यार मिलता रहे और हम इनके मार्गदर्शन में इसी प्रकार अन्नकूट का प्रसाद बना करके और बाबा गोवर्धन के लगा करके हम लोग सभी उस प्रसाद को ग्रहण करें। वहीं राजपूत धर्मशाला में भी इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। नगर विधायक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। ये उनका प्रसाद का हमारा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें शहर के पार्टी के लोग ही नहीं, शहर के टाइप के लोग यहाँ पे पहुँचे गए। सभी को हमने आमंत्रित किया है और जो लोग यहाँ से प्रसाद पा के जाएंगे उनसे रामनवमी करने का मेरा फर्ज है। सबसे पहले भी रामनवमी करता हूँ और जाते हुए भी, दोनों समय में जाते और आते हुए लोगों से संपर्क भी होता है और उनसे मेरी बातें भी होती है। भंडारे की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको ऑटो मार्केट ले चलते हैं, जहां मार्केट एसोसिएशन द्वारा अन्नकूट का त्योहार मनाया गया और भंडारे का आयोजन कर श्रद्धा और आस्था का परिचय दिया गया। यहां भी भक्तों की भारी भीड़ प्रसाद चखने के लिए पहुंची। हमारे पूरे ही देश के अंदर और गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा देवी मनाया जाता है, क्योंकि ये पूरा ही महीना हमारा उत्सव के रूप में काल दीपावली के रूप में मनाया गया था, क्योंकि दीपावली में भगवान राम अयोध्या रावण का वध करके जब यह अयोध्या आई उसके उपलक्ष्य में पूरी खुशी के साथ दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है। उसके साथ साथ आज का दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के रूप में जो पूजाया गया तो उसको गौर पर्वत को उठा करके और पूरे ही उसमें इंद्र देवता का वर्षा को रोक करके अपने रूप में गोवर्धन की पूजा का स्वरूप दिया उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके साथ साथ भगवान विश्वकर्मा जी जो कि हमारे पूरे सृष्टि के रचने में भगवान आदि शंकराचार्य जी कृष्ण भगवान के में भी जहाँ भी देवताओं ने शीघ्र से शीघ्र जो कार्य उत्थान का किया गया, उन्नति का किया गया, जो उत्पत्ति का किया गया विश्वकर्मा जी करते हैं, इसलिए आज विश्वकर्मा देवी है। उसके उपलक्ष्य में आज पूरे भक्तों ने विशेष करके यहाँ विश्वकर्मा मंदिर है, ये पूरे समाज वाले पूरे हमारे अनुभव के अनुसार पूरे एकजुट होकर के श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। उसके साथ साथ पूरा समाज इकट्ठा होता है, सवेरे हवन यज्ञ पूजा करने के बाद में और अन्नकूट का भोग लगा करके प्रसाद जिमा करके वितरण किया जाता है। आयोजन हो रहा है मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए, सभी बहन भाइयों से आशा करता हूँ सभी आएंगे। 11 बजे के बाद भंडारा शुरू हो जाएगा, हवन का प्रोग्राम चालू है, सभी भाई आके यहाँ बैठ सकते हैं। पर्व में अन्नकूट का प्रसाद और घंटाघर क्षेत्र में ना जाया जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। नगर के घंटाघर क्षेत्र में भी रामा घंटाघर की बगीची में अन्नकूट प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने भी अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराई। आज गोवर्धन का त्यौहार सारे देश में मनाया जाता है, आप भी जानते हैं, कृष्ण जी को याद करते हैं, कृष्ण जी ने जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत उठाकर और सबकी रक्षा की थी, और आज 52 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और यहाँ पर भी घंटाघर पर सबसे पहले ये गोवर्धन का फिर अन्नकूट का कार्यक्रम किया जा रहा है। और तो हमेशा से 50 साल तो हमें यहाँ पर आते हो गए, आते सबसे अच्छा इंतजाम, सबसे बढ़िया इंतजाम करते हैं और मंदिर है, मंदिर में पूजा भी करते हैं साथ में, और अन्नकूट की बहुत महत्ता है, आगे फसल के लिए भी है और भगवान की जो क्षमता थी उस समय की, एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो सब भी याद करते हैं आज। और आज गोवर्धन के रूप में भी मनाते हैं कि गो का वर्धन किया जाए, गो को रख रखाव किया जाए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, गोवर्धन पर्व ये सारे देश में बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है और भिवानी मिनी काशी है, इसमें तो परम्परागत तरीके से शुरू से ही इस तरह के प्रोग्राम भगवान कृष्ण भगवान की स्मृति में, और जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था गौओं की रक्षा के लिए, वो हमेशा से मनाया जाता है। और उसी कड़ी में भिवानी में काफ़ी जगह अन्नकूट का प्रोग्राम आयोजित किया है।
धर्म और आस्था की बात हो तो हनुमान जोड़ी धाम का नाम भी जहन में सबसे पहले आता है। हनुमान गेट से हनुमान जोड़ी धाम में भी महंत चरण दास की अध्यक्षता में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ हर वर्ष की तरह इस साल भी 51 क्विंटल का प्रसाद वितरण किया गया। आज क्या कहेंगे, आज अन्नकूट का गोवर्धन पूजा का दिन है और गोवर्धन पूजा के दिन में भगवान गोवर्धन जी की पूजा और फिर अन्नकूट भंडारा लगाते हैं हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी हमने 25 क्विंटल लस्सी का एक कड़ी का प्रसाद बनाया है और लगभग हम 51 क्विंटल जो है सारा सामान बनाते हैं, जिससे हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है उस क्षेत्र के हिसाब से और शहर के लोग भी आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वैसे तो ये गोवर्धन पूजा का भगवान कृष्ण के समर्पित और इंद्र भगवान ने जब अपना अहम हुआ था तो अहम को नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना प्रयास किया और उसमें बाद में जब वो परास्त हो गया अहम तो सब भाव का प्रचार प्रसार किया, विकास किया। इसी कड़ी में स्थानीय ढाणा रोड पर महात्मा ज्योतिबा फूले जन कल्याण सेवा संगठन द्वारा एवं कोंट रोड लक्ष्मी नगर में पिछड़ा वर्ग के नेता रमेश वर्मा द्वारा अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर अनेक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस दौरान रामनगर स्थित श्री श्याम मिलन मंदिर में भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा परिवार संस्था का सहयोग भी खास रहा। हर वर्ष की बात ही हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा की जाती है और भगवान का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें सारे मोहल्ला वाले आस के पड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार यहाँ लेने के लिए आते हैं और सबको गोवर्धन पूजा की हमारी तरफ से मैं शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में वो हमारे गोवर्धन पूजा के लिए यहाँ आते रहे और प्रसाद ग्रहण करते हैं। भारत देश के यशस्वी व माननीय प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह केदारनाथ बाबा के दर्शनार्थ श्री केदारनाथ धाम पहुंचे, जिनका सीधा प्रसारण जोगीवाला मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ व अनेक पार्टी सदस्यों की उपस्थिति में भिवा निवासियों को दिखाया। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को नवनिर्मित केदारनाथ मंदिर भवन के बारे में भी बताया और इस बारे में भी बताया कि आज आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी स्थापित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज श्री केदारनाथ धाम से सबके बीच में लाइव संबोधन किया। जिले में जोगीवाला मंदिर दिनोदगेट भिवानी में बड़ी एलईडी पर माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम ठीक 8:30 बजे शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के बाद माननीय विधायक श्री घनश्याम सर्राफ जी की तरफ से जल पान प्रसाद वितरण भी किया गया। भाजपा के सभी नेतागण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी, सभी मोर्चा के पदाधिकारी और नगर मंडल के पदाधिकारी वहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे और प्रधानमंत्री जी को सुना। आज केदारनाथ जी के दर्शन मोदी जी के तहत प्राप्त हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जो पूजा अर्चना की है उसको लेकर सब लोगों ने देखा है। अभी आदि शंकराचार्य का भी एक वहाँ पे स्मारक बनाया गया है और एक भव्य स्मारक के रूप में हमने देखा है। आज समाज ये चाहता है कि ये जो 400 करोड़ की योजनाओं की घोषणा भी माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे करने वाले हैं और एक हमारा जो मठ है जो हमारे 4 मठ हैं उनमें से एक है और हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में भी इसका नाम है। इस प्रकार की जगहों पर जो हिंदू धर्म को बल मिलता है और प्रधानमंत्री के जाने से और सभी लोगों का उसमें विश्वास है, उस विश्वास के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। निश्चित रूप से हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। शुक्रवार को सुबह रोहतक गेट के निकट सब्जी मंडी के पास उस समय सनसनी फैल गई जब आसपास के नागरिकों ने चारदीवारी के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा। वहीं सूचना पाकर डीएसपी वीरेंद्र सिंह तुरंत एसएफएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 40 वर्षीय शव की पहचान के प्रयास तेज कर दिए। आज सुबह पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि सब्जी मंडी चौकी के सामने के मंदिर के निकट चारदीवारी में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एसएफएल टीम को बुलाया और साथ ही सीआईडी की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस का मानना है शराब पीकर कोई झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद चोट मारकर इसकी हत्या की गई है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक युवक अभी अज्ञात है। पुलिस का कहना है कि मृतक की जेब से एक मोबाइल मिला है जो कि बंद है और उसे ऑन करके जब लास्ट नंबर देखा गया तो जिससे बात हुई वो नंबर उनकी पत्नी का था। जिस व्यक्ति से बात हुई वो फिलहाल राजस्थान में है और उसे पहचान के लिए बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। या फिर किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन
प्रारंभिक जांच से तो यही लगता है, और जिस हिसाब से इसके पास में खाने की वस्तुएं मिली हैं और जो स्मेल आ रही है उसे ये प्रतीत होता है उन्होंने बैठ के कहीं शराब पी है, और शराब पीते वक्त इनका हो सकता है झगड़ा हुआ हो और झगड़े में आपसरी में जो है ना किसी ने इसको चोट मार दी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई शराब पीते वक्त इनका आपसरी में कहीं झगड़ा हुआ है। तो किस प्रकार के हथियार से चोटें मारी गई? ये कोई भी भारी चीज़ जैसे कोई ईंट या भारी पत्थर उठा के सिर में मार दिया हो या और कोई चीज़ भारी सिर में मार दी हो कान के ऊपर, ऐसा प्रतीत होता है। सर पुलिस के साथ कौन कौन सी टीमें पहुंची? अभी यहाँ FSL की टीम आ चुकी है, CIA 1-2 की टीमें आ चुकी हैं मौके के ऊपर, और हम सारे मौके के जो आसपास CCTV कैमराज हैं उनकी भी अब तलाश जारी करेंगे कि भाई कौन कौन से व्यक्ति यहाँ सवेरे के समय या लेट आवर्स के समय में आए थे, कौन से व्हीकल्स आए। भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ हिंदुस्तान जनकल्याण ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा दीपोत्सव त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक ने बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा में इन जवानों के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। संपूर्ण राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और दीपावली के पावन पर्व पर देश के चप्पे चप्पे में तैनात पैरामिलिट्री फोर्सेज के सम्मान में विश्व के सबसे बड़े गैर राजनीतिक राष्ट्र समर्पित संगठन हिंदुस्तान जनकल्याण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दीपोत्सव मां भारती के सच्चे सपूतों के नाम से देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक अनिल कौशिक हलवासिया ने सम्मान समारोह के बारे में कहा कि दीपावली के पावन पर्व पर आज सभी देशवासी अपने परिवार के बीच इस पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। वहीं एक तरफ देश की सीमाओं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा हेतु बड़ी संख्या में तैनात जवानों की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हिंदुस्तान जनकल्याण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज भिवानी हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाने वाला शहर, जिसमें हिंदुस्तान जनकल्याण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय टीम द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पे जन साधारण की सुरक्षा में तैनात हमारे देश के वास्तविक जो है ना वीर सपूत, जिनका कि अपना सब कुछ जनता के लिए सरसर निसार करने की क्षमता रखते हैं सदैव, और आज सारा देश सारा हिंदुस्तान दीपावली का त्यौहार जो हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है उसको मनाने जा रहा है। अपने सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में अपने अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ, लेकिन ये हमारे देश के जाबाज वीर योद्धा आज हमारे भिवानी शहर की छोटी काशी के अंदर तैनात हैं, जो कि अदर अदर स्टेट से हैं। कोई भाई हमारे जो है ना हेड कॉन्स्टेबल साहब उड़ीसा से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, विभिन्न विभिन्न स्टेट से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, सारे शहर के चौराहों में जब हम जाते हैं इनसे मिलते हैं तो एक ऊर्जा लबालब भर जाती है। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।